फुलेरा दूज, जिसे फूलों की होली भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में फुलेरा दूज 12 मार्च को मनाई जाएगी। फुलेरा दूज का त्योहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार भी शामिल है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग कई तरह की तैयारियां करते हैं, जैसे घरों को सजाना, विशेष व्यंजन बनाना। भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना भी इस दिन करते हैं। लोग एक दूसरे को रंगों, फूलों और गुलाल से होली के रंग में रंग देते हैं। फुलेरा दूज का त्योहार एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो प्रेम, रंगों और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम, रंगों और खुशियों को बनाए रखना चाहिए। इस त्योहार के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फुलेरा दूज का त्योहार हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा प्रेम के रंगों में और खुशियों के रंगों में रंगे रहना चाहिए। अब फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है, ये आप विस्तार से जान लीजिए। आपको बता दें कि होली की शुरुआत फुलेरा दूज से ही होती है। जी हाँ, यह त्योहार होली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा और वृंदावन में होली की धूम मचने लगती है। भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को रंगों और फूलों के रंगों में रंग देते हैं। प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। जी हाँ, फुलेरा दूज को प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का स्मरण करते हैं और विधिवत राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी करते हैं। रंगों का है उत्सव फुलेरा दूज। जी हाँ, फुलेरा दूज रंगों का उत्सव कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, फूलों की होली खेली जाती है और फूलों के रंग में सभी को रंगा जाता है। खुशियों का है उत्सव फुलेरा दूज। फुलेरा दूज खुशियों का उत्सव कहा जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार फुलेरा दूज के दिन कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ये विशेष उपाय हैं, गायों को चारा खिलाना एक पुण्य का कार्य माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन गायों को चारा खिलाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन दान पुण्य करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस दिन भजन कीर्तन करना बेहद ही अच्छा और शुभ माना गया है। फुलेरा दूज के दिन भजन कीर्तन करने से आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इन उपायों को करने से आपको फुलेरा दूज का पुण्य लाभ मिलता है। साथ ही यह त्योहार आपको अपने जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता भी देकर जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।